गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन कंप्यूटर क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर सी डॉट डब्ल्यू डे एंड डेट। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर मेमोरी देखेंगे। इसके पहले हमने कुछ वीडियो आपको सेंड किया था फॉर द फेमिलियर ऑफ द टॉपिक। टॉपिक से फेमिलियर होने के लिए हमने कुछ वीडियोज आपको सेंड किए थे। आई होप आपको वो सारे समझ में आए हो। आज हम हमारे चैप्टर में देखेंगे मीनिंग ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, टाइप ऑफ मेमोरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम, बिट एंड बाइट। ईरा लव टू मेमोराइजिंग पोयम, शी लर्न देम एंड ऑफ्टन रिसाइट देम इन फ्रंट ऑफ अदर। दिस has made her popular amongst friend and relatives. One day Varun asked her, how can you remember so many poems, don't you forget them? To this Ira jokingly replied, my brain works like a storehouse. I store whatever I can learn it. Whenever I have to recite, I retrieve a poem from my storage device. All through, Ira said this jokingly. It is quite true. Your brain is like a storage device. It has a huge memory. In fact, it has unlimited memory. You store a lot of information in it. However, with the passage of time, you do forget some central things. This means that the human memory is volatile. जैसे हमारा brain एक storage device है। एक क्या है? Storage device है। इस storage device में हम unlimited memory store करके रख सकते हैं। जैसे हमारा CPU है जिसमें RAM एंड ROM की ज़रूरत होती है, उसके वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल की ज़रूरत होती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करना है या नहीं करना है। वैसे ही हमारा वुमेन ब्रेन जो होता है, ये वोलाटाइल मेमोरी है। इसमें हम अनलिमिटेड हमारा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। ईरा बहुत सारी प्रोयम को मेमोराइज करती थी और वो क्या कभी भूलती नहीं थी उन्हें। तो उनके उसके दोस्त उनसे पूछते हैं कि हाउ कैन इट पॉसिबल, आप कैसे इतने सारे पोएम्स याद रख लेते हो। तो ईरा उन्हें समझाती है कि ह्यूमन ब्रेन एक वोलाटाइल मेमोरी है जो कभी भी कुछ भी स्टोर करके रख सकता है। हमारा ब्रेन है एक स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। अब आपको छोटी सी ये एक्टिविटी है आपको करनी है। डू यू रिमेंबर द ड्रेस दैट यू वोर लास्ट न्यू ईयर्स इवेंट? डिस्क्राइब इट। आपको याद है कि आपने लास्ट न्यू ईयर पे कौन सा ड्रेस पहना था? आपको उसे डिस्क्राइब करना है। डू यू रिमेंबर द ड्रेस दैट यू वॉर ऑन लास्ट बर्थडे फर्स्ट बर्थडे? आर यू एबल टू डिस्क्राइब इट? आपको याद है कि आपने फर्स्ट बर्थडे पे कौन सा ड्रेस पहना था? आई नो कि आप बहुत छोटे हो गए, आप मम्मी से पूछ के बताइएगा कि आपने फर्स्ट बर्थडे पे कौन सी ड्रेस पहना था और उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स सी द टॉपिक। द कंप्यूटर आल्सो हैज़ अ मेमोरी लाइक अस। कंप्यूटर को भी हमारी तरह ही मेमोरी होती है। लाइक अस इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। वो हमारी तरह ही ह्यूज अमाउंट में डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकता है। However, a huge section of computer memory is not volatile. कुछ मेमोरी का हिस्सा जो होता है हमारे कंप्यूटर का, वो volatile नहीं होता। अब volatile in the sense क्या होता है कि volatile मतलब जो चीज़ें हम भुलाते नहीं हैं। जैसे कंप्यूटर में एक बैग इफेक्ट होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और अगर आपने उसे सबसे पहले सेव नहीं किया हो और आप ऐसे ही काम कर रहे हो, सडनली लाइट चली गई, तो क्या होगा? आपने जितना भी काम किया है वो सारा का सारा
इरेज हो जाएगा जब लाइट रिटर्न आएगी। तो इसे ही कहते हैं नॉन वोलेटाइल, जो हमारी मेमोरी सेव नहीं होती, जो डाटा हमारा सेव नहीं होता विदाउट अवर सेविंग, उसे हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल। और वोलेटाइल मीन्स हम छोटी से छोटी चीज़ भी अगर कर ले, जैसे हमने कुछ किया है, जैसे एग्जांपल ले ले आप कि आपने आज शाम को पेंटिंग की है, उसे अधूरी छोड़ दियो, पर की तो है, आपको वो हमेशा याद रहेगा कि आपने पेंटिंग की थी, अधूरी है पर की थी, तो ये क्या हुआ आपका वोलेटाइल मेमोरी, आपने अधूरी की है, उसे सेव नहीं किया है पूरी तरीके करके, पर की ज़रूर है इसलिए वो हमें याद है, तो इसे हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। इट नेवर फॉरगेट एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल द इंफॉर्मेशन डिलीटेड बाय यू, वो जब तक आपकी मेमोरी डिलीट नहीं करेगा जब तक आप खुद उसे डिलीट नहीं करोगे। जैसे वुमेन ब्रेन में क्या होता है कि रात में हम जब सोते हैं तो कुछ मेमोरी जो हमारी नॉट यूज़फुल मेमोरी होती है, जो हमें भुला देना चाहिए, या तो ब्रेन ऑटोमेटिकली वो मेमोरी के आपको क्या कर देता है, इरेज कर देता है, और जो काम की मेमोरी होती है उसे हमेशा के लिए स्टोर करके रख देता है। तो कंप्यूटर के पास भी ऐसी दो टाइप की मेमोरी होती है। द कंप्यूटर मेमोरी इज मेनली टू टाइप, कौन से टाइप की, टू टाइप की, फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंड है सेकेंडरी, फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंड है सेकेंडरी मेमोरी, ये है हमारे कंप्यूटर की मेमोरीज। लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी क्या है, हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये काय में यूज होती है, हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, डू यू नो दैट, CPU। व्हाइल प्रोसेसिंग द डाटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, जब वो डाटा प्रोसेस करता है और हमारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ये मेमोरी क्या होती है, तब उसे यूजफुल होती है। वंस द एग्जीक्यूशन इज ओवर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी, जब हमारा पूरा काम करके हो जाता है, या हमारा पूरी इंस्ट्रक्शन और डाटा एग्जीक्यूट करके हो जाती है, तब ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाके स्टोर होती है, हमारे सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर होती है। आगे हम बताएंगे कि सेकेंडरी मेमोरी में कैसे स्टोर होती है। प्राइमरी मेमोरी हैज़ टू सेक्शन। अब प्राइमरी मेमोरी में कितने सेक्शन है, टू सेक्शन है, कौन कौन से, रैम एंड रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, और क्या है फुल फॉर्म, रीड ओनली मेमोरी, एंड रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। द कंटेंट ऑफ रैम आर प्री रिकॉर्डेड एंड कैन नॉट बी चेंज इजीली। रैम क्या होती है, प्री रिकॉर्डेड मेमोरी है, जो इजीली चेंज नहीं होती। दिस इज वाई कॉल्ड परमानेंट मेमोरी, ये इसीलिए क्या कहलाती है, परमानेंट मेमोरी कहलाता है। रोम क्या कहलाता है, परमानेंट मेमोरी। विच वन इज योर परमानेंट मेमोरी, रोम इज योर परमानेंट मेमोरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम, रीड ओनली मेमोरी। ओनली द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर हैज एक्सेस टू रैम, रोम। कंप्यूटर हमारा रोम को असेस करता है। ऑन द अदर हैंड रैम इज यूज बाय सीपीयू रीड एंड राइट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल एग्जीक्यूटिंग योर प्रोग्राम। रैम क्या करता है, आपके सीपीयू का डाटा रीड और राइट करने के लिए, और देन उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए काम आता है। द कंटेंट्स ऑफ रैम कीप चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, वो क्या करता है, हमारी रैम को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहता है। हियर इट इज नॉट कंसिडर्ड एज परमानेंट मेमोरी, ये हमारा परमानेंट मेमोरी कहलाता है या नहीं। जैसे हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, जैसे हमने आज क्या खाया क्या पिया, तो हमें ये सारी चीज़ें हमें रात तक ज़रूर याद होती हैं कि हमने सुबह क्या खाया था, पर आपसे नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे अगर हम पूछते हैं कि आपने पिछले दिन क्या खाया था, कि पिछली रात को क्या खाया था, तो वो हमें याद नहीं होता है, क्योंकि वो हमारा एक टेम्प्ररी मेमोरी होता है, वो क्या होती है, हमारी एक
टेम्प्रेरी मेमोरी होती, उसी तरह हमारे रैम में एक टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में कि जब हम काम करते हैं तो विदाउट डाटा सेविंग हम जब काम करते हैं तो वो किस में वर्क होता है, हमारी रैम में। वो किस में वर्क होता है, हमारी रैम में। क्यों नहीं, क्योंकि हमें उसे शॉर्ट टर्म रखा है, उसे परमानेंट करा है क्या, नहीं। जब हम उसे सेव कर देते हैं तो वो जाके रोम में सेव हो जाती है, और रोम हमारी परमानेंट मेमोरी। फिर आप जब चाहे उसे ओपन करके देख सकते हैं, जब भी आपको लगता है तब भी। और जब हम सेव नहीं करते हैं, वैसे ही काम करते हैं, तो वो कहाँ होता है, रैम में होता है। रैम इज़ रीड एंड राइट डाटा, वो रीड करता है डाटा, राइट करता है डाटा। आप जब एग्जीक्यूट करना होता तब एग्जीक्यूट करता है, बट वो परमानेंट सेव नहीं करता, इसीलिए उसे नॉन परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। That is why it is so important to save your work on computer. जैसे हमने अभी बताया, इसीलिए आपका डाटा या वर्क, आप जो भी करते हो उसे सबसे पहले सेव करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपका रोम में जाके सेव हो जाए। और by chance अगर लाइट जाती है या आपका CPU suddenly बंद हो जाता है या आपका कंप्यूटर suddenly बंद हो जाता है, तो आपका जो भी काम आपने किया हो वो इरेज ना हो जाए, वो गायब ना हो जाए। इसीलिए सबसे पहले हमें कंप्यूटर में हमारा वर्क सेव करना चाहिए। इफ द कंप्यूटर गेट टर्न ऑफ, रैम विल बी लूज ऑल द डाटा एंड योर वर्क। जैसे हमने अभी बताया कि जब हम रीड एंड राइट करते हैं डाटा विदाउट सेविंग हम काम करते हैं, तो वो रैम में सेव होता है। सडनली इमेजिन करें कि आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो गया, तो आपका जो डाटा है वो पूरा का पूरा आपका लॉस हो जाएगा।